हेलो दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन मुंबई के आरटीओ में एक वैनिटी वैन को रजिस्ट्रेशन तब दिया गया जब उसने 1.82 करोड़ रुपए चुकाए। भारत में ही बनी है यह वैनिटी वैन, और आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि यह वैनिटी वैन मुकेश अंबानी की है, और मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। मुकेश अंबानी का घर दुनिया के सबसे अमीर और सबसे महंगे लोगों के घरों में शुमार होता है। उनकी पत्नी नीता अंबानी 3 लाख की चाय से अपने दिन की शुरुआत करती हैं। ऐसे में मुकेश अंबानी की लाइफस्टाइल इतनी महंगी है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मुकेश अंबानी ने एक वैनिटी वैन खरीदी है, और आज हम आपको वही वैनिटी वैन अंदर से दिखाने जा रहे हैं। किसी महल से कम नहीं है ये वैनिटी वैन। मुकेश अंबानी के पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों का कलेक्शन तो है ही, और इसी जखीरे में यह वैनिटी वैन भी शामिल हो गई है। यह एक घर की तरह है। इस वैनिटी वैन में आपको सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। आप इस वैनिटी वैन की तस्वीरें देखने के बाद यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितनी महंगी और आलीशान है। करीबन 25 करोड़ की यह वैनिटी वैन अब चर्चा का विषय बनी हुई है। इस वैनिटी वैन में मीटिंग एरिया से लेकर हर प्रकार की सुविधा मौजूद है। बम और आग से यह वैनिटी वैन सुरक्षित रहती है। अगर इस वैनिटी वैन पर बम का हमला भी किया जाए तो इसके अंदर यह खूबी है कि यह इस बात का अंदाज़ा लगा लेती है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस वैनिटी वैन में अंबानी का पूरा परिवार ठहर सकता है। इसमें रूम इतने शानदार हैं कि किसी आलीशान होटल के रूम भी इसके आगे फीके पड़ जाएं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन मुंबई के आरटीओ ने इस वैन पर करीबन 1.82 करोड़ रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगाया था। यह वैनिटी वैन भारत में ही बनी है, और इसे डच की कंपनी ने तैयार किया है। हम आशा करते हैं जानकारी आपको रोचक लगी होगी, और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी प्रेरणा बढ़ाता है। धन्यवाद।